अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मुल्तान रेलवे स्टेशन पाकिस्तान की कदीम तरीन और अहम तरीन स्टेशनों में से एक है, जिसकी तारीख बरतानवी राज के दौर से जुड़ी हुई है। सन 1881 में तामीर किया गया था। सिंध पंजाब और दिल्ली रेलवे कंपनी ने तामीर करवाया। इसकी तामीर में उस वक्त तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आई थी। जो इस रेलवे स्टेशन को ट्रेन स्पेशली अलाट की गई थी वो थी सवात एक्सप्रेस, किल्लात एक्सप्रेस, चन्ना एक्सप्रेस, मुल्तान इंडस्ट्री, सरगोधा एक्सप्रेस। तो आज के दौर में इसके साथ क्या हुआ है वो आपको बताएंगे। सूरज ग्रुप होने को है लेकिन रेलवे स्टेशन पर साए नहीं फैलते क्योंकि ये पहले ही गंदगी की हालत में डूबा हुआ है। यूं लगता है कि यहाँ पर बरसों से सफाई न की गई हो। मुसाफरों से ज्यादा मंशियात के आदि अफराद नजर आते हैं जो खुलेआम इंजेक्शन लगा रहे हैं। इनकी नजरों में खोई हुई दुनिया झलकती है। कूड़ा क्रिकेट हर तरफ फैला है जैसे लोगों ने इस जगह को कचरा डालने के लिए ही बनाया हो। एक तेज आवाज गूंजी, कराची जाने वाली मुसाफिर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही है, मगर किसी ने इस ऐलान पर नहीं दिया। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। खाना पीने की चीजें बेचने वाले स्टालों पर बैठे हैं। इनका सामान आसमान छू रहा है, प्राइजें बहुत हाई हैं, मगर इनकी आंखों में लालच के बजाय मजबूरी है। मुल्तान रेलवे स्टेशन अपने शानदार माजी की गवाही देता है। तारीख के चरखों में छुपी इस कहानी को सुनाते हुए इस बात पर जोर देता हूँ कि रेलवे स्टेशन सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि लोगों, सकाफतों और तरक्की के सफर का हिस्सा है।